हेलो स्टूडेंट, आज NDA 2 नोटिफिकेशन ऑफिशियल डेट आ गई है। NDA में वैसे कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि UPSC प्री प्लान्ड कैलेंडर उनका होता है। हमें पता होता है कि कब एग्जाम डेट आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब तक फॉर्म फिल होंगे, एग्जाम डेट क्या है। फिर भी एक ऑफिशियल न्यूज आने से कहीं ना कहीं अंदर खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जो NDA 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सबसे पहले सुन लें कि अब डेट आ गई है आज, अब आप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है और अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी में मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों के भी फोन आए जो फर्स्ट टाइम गुरुकुल से जुड़ रहे हैं या बात करते हैं, जिन्होंने TES की एंट्री के लिए अप्लाई किया था, 12th में परसेंटेज थे पर वो SSB में स्क्रीन आउट हो गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने NDA के लिए अभी तक प्रिपरेशन नहीं की थी, वो भी पूछते हैं कि सर क्या कर सकते हैं, अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट बात है। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा, अगर आप डिफेंस को लेकर सीरियस हैं, NDA को लेकर सीरियस हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि NDA की डेट आ गई है और ऑफिशियल डेट जो है वो है 7, आज से फॉर्म ओपनिंग हो गई है और 3 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट कुछ चीजें मैं बहुत क्लियर कर दूं, जो हर बार मैं नोटिफिकेशन के समय बोलता हूं, फिर भी आप वही डाउट पूछते हैं। कभी भी जब फॉर्म फिल करें तो ऑफिशियल बुलेटिन जो होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है, वो पूरा डाउनलोड करें, पूरा उसको ध्यान से पढ़ें। एलिजिबिलिटी अकेला ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपका आई, सब कुछ, कि आपका जो आंखें हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, किस किस विंग्स में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आर्मी में क्या क्या होगा, आपको एयरफोर्स में जाते हैं तो क्या होगा, अगर आप सपोज नेवी में जाते हैं तो क्या होगा। लगभग अप्रोक्सीमेट सीट अगर हम देखें तो NDA में 370 और NMA 45 यानी 415 सीट्स हैं, तो लगभग हर साल इतनी होती है, 360 से 400 के बीच में। तो अब पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर वन, कि आप सबसे पहले UPSC और कोई नहीं, जब आप NDA 2 लिखेंगे तो मैं बता दूँ स्टार्टिंग में कई सारी और भी साइट्स आएंगी जिन पे UPSC 2 के नोटिफिकेशन या डेट के बारे में होगा, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन रीड करनी हो तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। भले हमारी साइट पर भी हमने डाला, फिर भी हम आपको बोलते हैं कि आप पहले एक बार अच्छे से ऑफिशियल साइट पे जाके, तो upsconline.nic.in पे जाइए, ऑफिशियल बुलेटिन आया है NDA 2 का, उसको कंप्लीट डाउनलोड करें, रीड करें अच्छे से, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है, फिजिकल फिटनेस जो मांगते हैं वो, उसके अगर आप 19, 20, 21 भी हैं तो चलता है, वो कंसिडर करते हैं। अब मैं कुछ बातें बता दूं। सबसे ज़्यादा जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो ये होता है कि कौन 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 बच्चा दे सकता है। तो नंबर वन, जिस बच्चे का बर्थ 2 जनवरी 2001 को हुआ है या 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ, वही दे सकता है। यानी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये पूछा जाएगा 1 जनवरी 2001 वाला बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं। इसके पीछे वाला कोई भी 31 दिसंबर 2000 वाला बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। ऐसे कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर 1-2 दिन का ही तो अंतर है, कंसिडर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेंचुरी जब भी बोली जाती है तो 99 रन पे सेंचुरी नहीं गिनी जाती, 100 को ही सेंचुरी गिनते हैं। अगर आपने 100 रन बनाए, 1 सेंचुरी हो गई, फिर आपने 100 के ऊपर बनाए तो भी 1 काउंट होगी, और 99 या 98 बनाए तो भी सेंचुरी काउंट नहीं होगी, सेम थिंग। और ये भी 10th की मार्कशीट से चेक किया जाएगा और किसी चीज का प्रूफ नहीं कंसिडर करते हैं, लाइक आधार कार्ड हुआ, वोटर ID हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, इन सबको नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हम जन्म प्रमाण पत्र में अगर डेट बदलवा लें तो क्या पॉसिबल होगा, ये पूछा जाता है, या आधार कार्ड में या वोटर आईडी में। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो ही कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004, अब मैं आपसे बोलूँ कि 2 जनवरी 2004 वाला एलिजिबल है कि नहीं, 5 जनवरी 2004 वाला है कि नहीं, 15 जनवरी 2, तो मैं बोलूंगा नहीं। केवल यही डेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबल है। एक बात ये हुई, और वो भी 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। सेकेंड, 11th वाला बच्चा दे सकता है कि नहीं, 12th वाला बच्चा दे सकता है कि नहीं, और 12th पास वाला, बिल्कुल क्लियर लिखा, 11th अपेयरिंग स्टूडेंट नहीं दे सकते, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनका 12th अपेयरिंग स्टूडेंट दे भी सकते हैं, उनका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, SSB भी दे सकते हैं, SSB भी क्वालिफाई कर लें, पर उन्होंने एक डेट दी है कि 24 जून 2020 तक आपका ऑफिशियल रिजल्ट आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं करेंगे। यानी हर एक चीज दी हुई है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है। पास आउट स्टूडेंट ऑब्वियसली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यानी जो लोग इन डेट के बीच में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन आप जो पूछते हैं वो यही पूछते हैं, इसलिए पहले इस पे वर्क करूंगा, फिर सिलेबस पैटर्न इन सब की बात करूंगा। दूसरा, अगर आपने अभी तक एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, नहीं किया है तो क्या अभी से करेंगे तो कुछ हो सकता है, तो वो सब बातें मैं करूंगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से सुनिए। तो नंबर वन थिंग कि नेवल इलेवंथ वाले नहीं दे सकते, बट ट्वेल्थ अपेयरिंग दे सकते हैं। ट्वेल्थ अपेयरिंग बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ट्वेल्थ अपेयरिंग दे भी सकता है, और साथ साथ उसको बस एक ही बात है, वो क्लियर भी कर सकता है, एसएसबी भी दे सकता है। फाइनल मेडिकल होने के बाद भी वो एक डेट देते हैं और हर एक बच्चे का जून तक रिजल्ट आ जाता है, इसलिए उसमें कोई पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट दे सकता है, ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट दे सकता है, एक बात। बट उसकी डेट 2nd January 2001 से 1st January 2004 को होना चाहिए, ये डेट इंक्लूड है इसमें, इसके पहले की नहीं, इसके बाद की नहीं। ये पहली बात हुई, तो ये एक चीज याद रखिएगा कि आप सभी कैंडिडेट दे सकते हैं। दूसरी बात, जो बच्चा एनडीए देता है, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार टीएस की एंट्री दी थी, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने टीएस के लिए अप्लाई नहीं किया था। मेरे पास बाद में फोन आया जब मैंने नोटिफिकेशन डाला टीएस का, उसके बाद कई समय बाद किसी बच्चे ने वीडियो सेशन देखा तो उन्हें पता चला। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम टीएस के थ्रू डायरेक्ट आर्मी में टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं या नेवी टेक के थ्रू ले सकते हैं, ये बात कई बार पता नहीं होती। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने बार आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जितने बार आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं उतनी बार आप टीएस, टीईएस या नेवी टेक के लिए एलिजिबल हैं। पर नेवी टेक में आपका आईआईटी रैंक कार्ड का स्कोर लगेगा। तो अगर आपने मान लीजिए एनडीए 2 के साथ, वो नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको टाइमली बताऊंगा, आप उसकी चिंता मत करना। अब ये क्वेश्चन मत पूछने लगना कि सर वो नेवी टेक का या टीएस का कब आएगा, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप एनडीए 2 के लिए एलिजिबल हैं तो आप इनके लिए भी एलिजिबल हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप टीएस की एंट्री भी भर देंगे, साथ में नेवी टेक अगर आपने आईटी दिया तो भर दीजिए। अच्छा, टीएस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, कई सारे बच्चे ट्वेल्थ के बाद टीएस में जब एंट्री आ जाती है चले जाते हैं और एसएसबी में आउट इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिफेंस को लेकर सीरियस नहीं होते, इसलिए कई बार आउट होते हैं, क्योंकि टीएस की एंट्री 12% पे आती है। पर 12% से आप एनडीए में सिलेक्ट हो ये मुश्किल होता है, क्योंकि एनडीए एक अलग तरह का एग्जाम है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एंट्री में वो प्रिपरेशन काम आती है। और एनडीए एक ऐसा एग्जाम है कि जैसे ही आप एग्जाम देते हैं उसके बाद अगले दिन से अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि एसएसबी में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं हमें नहीं पता। एसएसबी का आपको पता सिलेक्शन रेट, अगर हम टोटल देखें नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट और सिलेक्शन कैंडिडेट ओवरऑल, तो 1000 में लगभग एक बच्चा सिलेक्ट होता है, यानी लगभग 99% रिजेक्शन रेट है। ऐसे में हमें मेंटली अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होता है कि जैसे ही एनडीए 1 खत्म हुआ, क्योंकि अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे अब फोन करते हैं कि सर आपका नया बैच कब से हो रहा है, आपका हम ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं तो सिलेबस कर सकते हैं कि नहीं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं कि जब लास्ट पेपर 21 अप्रैल को हुआ था जब से अब तक क्या कर रहे थे, सर अभी सोचा बाद में करेंगे, सर अभी टीएस के लिए एंट्री आ गई थी, ऐसा नहीं होता। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपको अगले दिन से पढ़ना, जैसे इस बार का एग्जाम आपको पता है 17 नवंबर को है, तो अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि सर एनडीए 2 देने के बाद क्या करना, मैं बोलूंगा अगले दिन से ही एनडीए 1 2020 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। भले ही आप टीएस के लिए एलिजिबल है, भले ही नेवी टेक के लिए एलिजिबल है, भले ही आप ये निकाल लें और सभी की एसएसबी देने जाए, तो भी आपको एनडीए 2 की 1 की प्रिपरेशन करनी है, और जब तक करनी है प्रिपरेशन जब तक कि आप एसएसबी क्वालिफाई ना कर लें। ये बात दिमाग में रखें, जब ये सोच ये एनर्जी के साथ पढ़ते हैं तो हम अपने आप को क्लियर कर पाते हैं, बिना इस एनर्जी के साथ पॉसिबल नहीं होता। हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और डिफेंस चाहता भी ऐसा ही कि वो बंदा आए जो हर तरह से तैयार है। आपको हर समय हर पल अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को किसी भी समय छोड़ दें। और सबसे अच्छी बात है कि एनडीए या डिफेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें एक एंट्री खत्म होती है तो दूसरी, जैसे ही ये एंट्री खत्म होती है, सपोज आपकी एनडीए एंट्री खत्म हो जाती है, आप एलिजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे जाके सीडीएस हुआ, एफकेट हुआ, आपका टेक्निकल एंट्रीज हुई, इतनी सारी अलग अलग एंट्रीज होती हैं, ऑफिसर रैंक के लिए बात कर रहा हूं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। पर आपका ड्रीम अगर डिफेंस में जाना है, अगर आपका ड्रीम ऑफिसर बनना है, तो फिर आप बीच में कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, एक दिन के लिए भी रेस्ट नहीं कर सकते। तो कई सारे स्टूडेंट जो एनडीए 1 देने के बाद अब तक रुके हुए थे या जिन्होंने टीएस के लिए, नेवी टेक के लिए रुके थे, उन सबको मैं मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपका हो गया एसएसबी कोई बात नहीं, नहीं हुआ आउट हो गए, इमीडिएटली एक्शन लें और जुट जाएं, और अब जब तक जुटे रहें जिस दिन तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, ये बात ध्यान रखें। और याद रखिएगा,
रिटर्न की प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, एसएसबी के लिए मेंटल प्रिपरेशन तैयार करनी होती है, एसएसबी टोटल साइकोलॉजिकल एग्जाम है। मैंने कई सारे सेशंस लिए हैं, सिलेक्टेड बच्चों को आपके साथ सेशन शेयर करवाएं, सब एक ही बात बोलेंगे, एसएसबी में रट के नहीं जाना है, आप एक्चुअल क्या है वो चीज देखी जाती है, यानी आप कितने ऑनेस्ट, कितने डिसिप्लिन, कितने पंचुअल, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप ओवरऑल आप सब किसी भी इवेंट को लेके क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन छोटी छोटी बातों को समझिए और फोकस होके करिए। तो अभी भी नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आज से अगर हम देखें तो ठीक 100 डेज हैं। अगर मैं बोलूं तो लास्ट टाइम 100 डेज ही मिले थे एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट टाइम 100 डेज ही मिले थे, और 100 डेज का हमने यहां पर जब 2 महीने का बैच लिया था तो 12 में से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है इंपिटस गुरुकुल का, कहीं भी नहीं, ऑनलाइन में 120 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। आप सोचिए कितना हाई सिलेक्शन रेट है। कारण मैंने एक ही बात बोली कि आप सिलेक्शन के लिए नहीं, सबसे पहले नॉलेज के लिए पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी भी आपके पास 100 डेज हैं, अगर आप इन 100 डेज को फुल यूटिलाइज करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप निकाल सकें। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पास 12th का पूरा सिलेबस कर डालो, मैथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, अब जरा आगे बात करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है या सेक्शन है तो वो है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स अकेला 300 मार्क्स का आता है। अब इस 300 मार्क्स के मैथ्स में अगर आप 130 के आसपास लाते हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब मैं आपको यह बोलूंगा कि यहां पर बच्चों, जो लास्ट टाइम का भी एनडीए 1 हुआ था बच्चों का, किसी का भी ऐसा नहीं हुआ कि मैथ्स में स्कोर 150 से कम हो। क्यों? क्योंकि मैथ्स की टेक्निक्स क्या है वो मैंने आपके साथ पेपर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आप उनको देखिए समझिए। इसीलिए ऑनलाइन वाले भी बच्चे स्कोर कर पाते हैं क्योंकि उनको टेक्निक्स, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता मैथ्स का, पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है वो समझना है, किस टेक्निक से क्वेश्चन करें कि हम 80 तक रीच कर पाएं, किस टेक्निक से करें कि हम 150, 180, 200 तक स्कोर कर पाएं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आप जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट, उनको बोलना चाहूंगा आप अपना 12th का सिलेबस पूरा कर लें, क्योंकि 12th का मोर देन 50% आता है, प्लस साथ में ट्रिग्नोमेट्री और कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा आपको बेसिक, जैसे 2D का बेसिक कर लें तो भी आपका काम हो सकता है। और 12th का सिलेबस अगर आपने नवंबर तक कर लिया तो 2 एडवांटेज होंगे, एनडीए 2 में तो हो गई, साथ में 12th प्री बोर्ड जब आएंगे तो आप परफॉर्म कर पाएंगे, यानी अपने आप को सही तरीके से सोचेंगे तो कोई रिजल्ट दे पाएंगे। जब तक आपका एनर्जी लेवल, जब तक आपका सोच में पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं है कि आप निकाल लें। हर पल हर समय अलर्ट रहना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अभी बिल्कुल पॉसिबल है कि 100 डेज में आप न केवल अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपका थॉट क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मुझे डिफेंस में जाना है और मैं अपने हर हाल पे अपना 100% इनपुट दूंगा। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता, वो थॉट लेके पढ़ाई करना चालू करिए। तो 100 डेज में सबसे पहले आपको मैथ्स पे वर्क करना है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो मैं बता दूं जिससे स्कोर कर सकते हैं, PNC, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस। ये 4 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो लगभग इसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलस मतलब पूरा 12th का और 11th का कैलकुलस, फंक्शन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक। PNC मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इतने में भी आप बहुत अच्छे, पर इसका मतलब ये नहीं इतना करना, जितना कर सकते हैं वो करिए। फिर बात आती है GAT की, GAT में कैसे स्कोर करें, उसमें 4 सेक्शन है। एक इंग्लिश सेक्शन है जो 200 मार्क्स का, एक GS सेक्शन है जो लगभग 200 का, फिजिक्स लगभग 100 का है, बायो और केमिस्ट्री अगर हम देखें तो लगभग 100 का। इस तरह से 600 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश में लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें, बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल की इंग्लिश होती है, एनडीए में टफ नहीं होती, पर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश की बुक से ही पढ़ना चाहिए। GS के लिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, एनडीए 1 में भी जो पेपर आया था, अगर आपने NCERT बुक की सोशल साइंस 9th-10th की अच्छे से तैयार कर ली, समझ लो उसी से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको NCERT की बुक ही फॉलो करनी है और कोई बुक फॉलो मत करिएगा। और फिजिक्स स्पेशली बोलूंगा 10th की करनी है, 11th की बहुत थोड़ी सी आती, सिलेबस दिया हुआ है, हर एक चीज दी हुई है। मैं आपके साथ जो डिस्कशन करना चाहता हूं वो ये कि क्या करें कि आप एनडीए 2 में सिलेक्ट हो पाएं। तो फिजिक्स 11th की थोड़ी सी पोर्शन है, बाकी 10th का, बायो और केमिस्ट्री 9th-10th की ही। नहीं है NCERT की बुक आप किसी और स्टेट बोर्ड के, कई बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा है कि कौन सी बुक से पढ़े, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप कोई और स्टेट बोर्ड के, तुरंत NCERT की बुक ले काम आएगी, इवन मैथ्स में भी NCERT की बुक। प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए NCERT की बुक लें, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स लें 2010 से लेकर 2018 तक। मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए, ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए बच्चों को पता है टेक्निक्स क्या है, आप उन टेक्निक्स को समझो, आपका स्कोर आएगा। यानी 100 डेज आपके गोल्डन 100 डेज हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर माइंड से, प्रॉपर अप्रोच से पढ़ाई करें तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। तो आप
एक अपने मन से सारे डर निकाल लें, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैथ्स में 150 में बहुत हायर साइड लेता हूँ, 120 भी बहुत होते हैं, और इसमें मैं आपसे बोलता हूँ 300, अगर इसके आसपास आप स्कोर करते हैं तो आप ना केवल कट ऑफ करेंगे क्लियर, बल्कि बहुत अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। यानी आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग, 50% आपको स्कोर करना है। अगर आपका इंग्लिश वीक है थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आप जीएस, फिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री वर्क करें। इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश के साथ बाकी सब्जेक्ट पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे वर्क करें। यानी डिपेंड ऑन आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी खुद की पर्सनालिटी। बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, हर दिन का टाइम टेबल फिक्स करें, रोज उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, पढ़ाई का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा, रात को सोने से पहले जो जो टॉपिक हो चुका है उनका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिवीजन नहीं करते तो सब कुछ भूलते जाते हैं। एक एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन आपकी SSB की प्रिपरेशन करा रहा है। लोग बोलते हैं कि सर हमारा जैसे ही होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्होंने मुझे बताया कि सर हम इस एकेडमी में गए थे, इसमें भी फिर भी हम स्क्रीन आउट हो गए। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने वो चीज नहीं सीखी जो चीज आपको सीखनी। 15 दिन में वो चीज नहीं आ सकती। मैं आपको एक चीज बोल दूं, SSB आपकी रियल लाइफ स्टाइल है, जो वो आपको चेक करते हैं। आप ग्रुप में कैसे रहते हो, आप माता पिता से कैसे बात करते हो, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अगर आपका अलग अलग एटीट्यूड है तो आप समझ के चलो कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो SSB की प्रिपरेशन का मतलब सीधा सीधा एक ही है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहिए। अभी भले 100 डेज बचे, पर 100 डेज भी आपके लिए बहुत होते हैं। अभी आपने देखा कि अभी अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है, बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। 3 ट्रिपल तलाक के ऊपर एक डिसीजन लिया हुआ है, राइट? अभी कश्मीर में आपने देखा कि 370 हटाई, 35 है। इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनको पढ़िए, अच्छे से डिटेल समझिए, हर दिन अपने आप को पूरा फोकस और एनर्जी के साथ दीजिए। देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट की चिंता छोड़ के अगर पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को देखते हुए करोगे तो हो सकता ना आए। यही बात याद रखिए। इवन SSB भी देने जब जाते हैं तो मैं बोलता हूं बच्चों को एक बात याद रखना, ये सोच के मत जाना सिलेक्ट होना, आप अपना लाइफ का बेस्ट करके आओ। और यही यहां पे बोलूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए और आप लोग तुरंत एक्शन में आ जाइए और बिल्कुल पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करिए। ये सेशंस में लेता रहूंगा। एक बार फिर बता दूं कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करना, देन ऑनलाइन फॉर्म भरना। भरने के बाद कहीं डाउट हो उसको ड्राफ्ट करके या सेव करके रखिए। सबमिट करने के पहले एक बार क्रॉस चेक करिएगा, खुद किसी और से मत करवाइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, देन उसके बाद सबमिट करिए। एज मैंने आपको बता दिए, पूरा बुलेटिन पढ़ेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी, सिलेबस आपको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। बस जरूरत है इस बात की, याद रखिए, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, आपके 100% पॉजिटिव इनपुट से सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। इसलिए फॉर्म भरने के साथ साथ इमीडिएटली एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। अभी भी आज से ठीक 100 डेज हैं, 100 डेज को आप 200 डेज के बराबर बनाइए। अगर रोज 4 घंटे पढ़ते हैं तो आज से 8 घंटे पढ़ेंगे, 200 दिन हो जाएंगे, कोई टाइम की कमी नहीं होगी, बट अपना 100% देंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।